जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार नितिन सर पुलकित सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एक बार मेरी जान एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सेशन SSC MTS और GD के लिए इतना शानदार होता है कि इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए, कोई भी साथी लेट नहीं होगा, क्योंकि लेट होने का मतलब कि हम लोग बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। MTS का आपके सेंट्रल रीजन का क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप लोगों की लगातार दो दो मैराथन आप लोगों की सैटरडे संडे आ रहा है और एक आपके बीच में सक्सेसफुल कैंडिडेट का इंटरव्यू, कल सक्सेस स्टोरी भी मैं लेके आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके प्यार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम लोग दुनिया में अकेले हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है, बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आप लोग रहोगे मेरे साथ, हमारे साथ, पूरी टीम के साथ, तो हमें किसी की मदद की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग शानदार तरीके से। देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा है कि 1930 में, सवाल क्या पूछा है मेरे शेर, सवाल पूछा है कि 1930 में सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए पुरस्कार जीता था, अगर सवाल पूछा जाए तो सीवी रमन, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही प्यारा सवाल, क्यूट सवाल। PDF के लिए इसी नाम से नितिन सर पुलकित सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। तो सवाल देखिए, 1930 में सवाल पूछा है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो 1930 में जीता था और उन्होंने कौन से आपके ब्रांच में जीता था, फिजिक्स में जीता था। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार की श्रेणी की बात करें तो नोबेल पुरस्कार आपके मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता, इसके अलावा फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इसके अलावा मेडिकल साइंस में दिया जाता है, इसके अलावा लिटरेचर में दिया जाता है, इसके अलावा लिटरेचर में दिया जाता है, इसके अलावा पीस में दिया जाता है, इसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 अलग अलग आपके ब्रांचेज है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए एबल पुरस्कार होता है। जब सीवी रमन की बात करें तो इनको रमन इफेक्ट के लिए, प्रकाश के परिक्रणन की व्याख्या के लिए इनको नोबेल प्राइज आपके दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक शास्त्र में दिया गया था। सवाल नंबर दो बताइए बेटा, सवाल नंबर दो, जैसे हम रक्त समूह की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि 4 प्रकार के रक्त समूह है, लेकिन उसमें से प्रथम 3 आपके जो समूह है, जो ABO होता है, जो ABO होता है, ये 3 रक्त समूह, और चौथे रक्त समूह के रूप में कौन सा हो जाता है, AB। AB की खोज अलग ने किया था, लेकिन ABO, ये तीनों के तीनों प्रकार के जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो सीधे तौर पे याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टेनर। नाम क्या था साथियों मेरे, कार्ल लैंडस्टेनर उसका नाम था। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सवाल क्या पूछा है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें, रक्त समूह प्रणाली की खोज की बात करें, तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा, तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, और लेकिन AB की बात करें तो ये बाद में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग से, सवाल क्या पूछा है, पुष्प के कौन से हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, पुष्प यानी फूल के बारे में बोल रहे हैं कि फूल के कौन से हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पराग कोष, जो एंथर होता है उसी एंथर वाले पार्ट में पराग का उत्पादन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा है बेटा, शानदार तरीके से, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, उसके शेप के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है, उसके शेप के बारे में। जी जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही। हर हर महादेव, शिव दिवानी जी, थैंक यू सो मच आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए। एक बार शेयर मार दो सभी के सभी शेयर मेरे, कहां हो तुम लोग आज, कहां हो आप लोग, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते हैं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक बार शेयर कर दीजिए एक बार शानदार तरीके से। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कोकस जो बैक्टीरिया होता है,
कोकस जो बैक्टीरिया होता है उसका शेप अंडाकार या गोलाकार होता है। बैगनी रंग की बात करें, बैगनी यानी वायलेट कलर की बात करें, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ यानी लेमडा जो होता है वो कितना होता है, तो 455 से लेके 390 नैनोमीटर होता है, 455 से लेके 390 नैनोमीटर होता है। मक्खन की बात करें, बटर की बात करें, तो मक्खन किसका उदाहरण है, मक्खन किसका एग्जाम्पल है, तो मक्खन आपके कोलाइडल घोल का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में आपके सक्षम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, तिल्ली कहते हैं। ये सवाल देखिए, अब सब आप लोगों को आंसर देना है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा, आपके मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु आपके शामिल है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सही भी हो रहा है, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय के साथ इंसान के अंदर सभी कमी ठीक हो जाते हैं। मिश्र धातु गुलाब, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा धातु आपका शामिल होता है, तो आंसर क्या होता है बेटा, तांबा, यानी क्या हो जाएगा आंसर, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मोनोमर की बात करें, मोनोमर जिसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम का कौन से बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। ये सवाल देखिए आपको पता है तो ठीक है। शक्ति की भौतिक मात्रा, शक्ति यानी पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो M1L2T-3 इसका डायमेंशन होता है। चलो भाई अब आते हैं आपको थोड़ा सा आपके दिल को खुश करने वाले सवाल। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह कौन से शहर में हुआ था। कल से आप लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस, जबरदस्त तरीके के कॉन्सेप्ट आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा मजा आने वाला है। चलिए भाई सवाल बताइए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह कौन से शहर में हुआ था। अब देखो बहुत सारे बच्चे झांसी मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली मार देते हैं, हैदराबाद मारिएगा, इसका मतलब है कि आप किसी गलत जगह पे समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, आप किसी गलत जगह पे समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करें, 1857 के रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके तात्कालिक कारण के रूप में, इमेडिएट कॉज के रूप में आपको याद होगा वो चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस 5 दिनों के अंदर आपके यहां पे फैकल्टी की भरमार हो जाएगी, इतने सारे फैकल्टी हो जाएंगी कि पढ़ पढ़ के आपका कभी सर दर्द करेगा, लिख लिख के कभी हाथ दर्द करेगा, सोच सोच के कभी दिमाग दर्द करेगा है, और गाली देने वालों को उसका क्या दर्द करेगा, गाली दे के मुंह और उनका कान दोनों दर्द करेगा, और कुछ भी करेगा तो देख लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें 1857 के, तो 1857 के तो आंसर क्या हो जाएगा, तात्कालिक कारण क्या था, तो वही चर्बी वाला, एक नए राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको क्या बोला जाता था, एनफाइल्ड राइफल के नाम से जानते हैं। उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसके ऊपर एक कवर लगा होता था, उस कवर को जो अपने दांतों से छीलते थे, काटते थे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना आहत होती थी। क्यों? क्योंकि उस कवर के ऊपर गाय या सुअर की चर्बी चढ़ी होती थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च को मार दिया गोली, बोल दिया कि नहीं करेंगे प्रयोग, उनको फांसी भी दे दिया गया अप्रैल में। उसके बाद मेरठ से 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के जवानों ने इस आंदोलन की शुरुआत करी, पहुंच गए कहां पे, दिल्ली, बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। ये सवाल थोड़ा बताइए, तो बहुत ही क्यूट सा सवाल है भाई, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है, पारंपरिक
अल्पाहार खांडवी की बात करें तो खांडवी कौन से राजस्थान से संबंधित है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात से संबंधित है। ये सवाल बताइए, अगर ये सवाल बताते हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपने हमारी एक क्लास को बेहतर तरीके से देखा है, समझा है और उसको अपनी कॉपी में नोट किया है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, यानी पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम पूछा है, पहले हिंदी भाषा के न्यूज पेपर का नाम पूछा है। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, न्यूज पेपर हिंदी का, और वो भी कौन सा, पहला, वो भी कौन सा, पहला। तो पहला न्यूज पेपर हिंदी का आपके सवाल पूछा है तो हिंदी भाषा के उस अखबार का नाम आपको बताइए जो पहला था और उसको प्रकाशित कब किया गया था, 1826 में। तो उस पत्र का, उसका नाम क्या था न्यूज पेपर का, उदंत मार्टंड। उसका नाम क्या था भाई, उदंत मार्टंड। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, कहां से प्रकाशित किया गया था भाई, तो उदंत मार्टंड को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कहां से प्रकाशित किया गया था, कलकत्ता से पब्लिश किया गया था। तो सबसे पहली बार यानी 30 मई 1826 को प्रकाशित होने वाले पहले अखबार की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, उदंत मार्टंड। जब हम देशबंधु की बात करते हैं तो देखो दो आ जाता है, एक तो आ गया देशबंधु। देशबंधु की जब हम बात करें तो देशबंधु किसे कहा जाता था, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, जिनके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन जब यही पे नाम आ जाता है दीनबंधु का, जब यही पे नाम आ जाता है दीनबंधु का, तो दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो गांधी जी के बहुत ही खास, गांधी जी के बहुत ही सहयोगी, बहुत ही प्यारे मित्र नाम था, सीएफ एंड्रयूज, जो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो दीनबंधु और देशबंधु दोनों अलग है, देशबंधु बोला जाता है किसको भाई, चित्तरंजन दास जी को, और दीन बंधु किसे बोला जाता है, सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। इस तरीके से आपको समझने की जरूरत, लेकिन पहला अखबार की बात करें तो उदंत मार्टंड। ये सवाल देखिए ये सवाल देखिए, प्यारा सवाल, वर्ष 1773 से लेके 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वर्ष 1773 से लेके 1785 तक, 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो देखो भाई आपको याद होगा, एक नाम जरूर याद होगा, उस नाम को क्या बोलते हैं भाई, रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको क्या समझना है कि रॉबर्ट क्लाइव आपके बंगाल का पहला गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। 1773 में एक एक्ट आया बेटा, उस एक्ट को किसके नाम से जानते हैं, उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ क्या, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, उस गवर्नर जनरल के पद को किसमें चेंज, बंगाल के गवर्नर के पद को किसमें चेंज कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो पहला गवर्नर जनरल बनने वाला यही वारन हेस्टिंग्स था, यही वारन हेस्टिंग्स था। और इस वारन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन की प्रक्रिया को, प्रणाली को समाप्त कर दिया, इसे वारन हेस्टिंग्स को बोला जाता है। तो 1773 से लेके 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो उस पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, वारन हेस्टिंग्स। जब मैं क्लास लेता हूं ना तो क्लास में केवल आप पढ़ने की बात कीजिए, अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ऑफलाइन में कमेंट को ड्रॉप कीजिए, उसके ऊपर हम इवेंट कर देंगे, बता देंगे। और उसके बाद भी फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि मैं आपके क्लास में पढ़ाई के अलावा किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाता हूं, लेकिन बार बार आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी, आप सभी लोग इंस्टाग्राम जरूर यूज करते होंगे, तो ये मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, इसको मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं, स्मॉल में सब है, प्रबल 5907, सब स्मॉल में है, प्रबल PRABAL 5907, ये मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी आप पूछना चाहते हैं हम आपके साथ 24 आवर्स अवेलेबल है, मेरा जीवन आपको समर्पित है, मेरा ये जीवन आपका जीवन है, ये शरीर केवल मेरे है, लेकिन इस शरीर की एक एक ऊर्जा,
एक एक क्षमता, एक एक पोटेंशियल, एक एक हमारी योग्यता सब आपके काम आनी चाहिए भगवान। ऐसा करें, माता रानी का आशीर्वाद ऐसा हो। 24 आवर्स जब भी आपको कुछ लगे, कहीं पे भी कुछ भी गलत फहमी हो, डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो PRABAL5907 यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्लास में जब आइए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल पढ़ाई कीजिए, तभी तो दुनिया को हम दिखाएंगे कि आपके और हमारे में अंतर क्या है। एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, आग लगा दो, 700 की संख्या है। और आज हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, न इस पार न उस पार, इस बार MTS GD पार और आज की संख्या 2000 पार। मेरे शेयर सेशन को शेयर कर दीजिए। मौर्य राजवंश की बात करते हैं, मौर्य राजवंश की बात करते हैं। तो मौर्य राजवंश की स्थापना कहां पे हुई थी मेरे प्यारे साथियों, मगध में हुई थी। मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहां पे पर नाम पड़ता है, कहां पे आपके पड़ता है अभी के समय में, उसकी अवस्थिति की बात करें, मगध की अवस्थिति की बात करें तो अभी के समय में मगध की अवस्थिति क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मगध का एक राजवंश था जिसको नंद वंश के नाम से जाना जाता है। उस नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद के नाम से उसे जानते हैं। उसके दरबार में उस समय के विद्वान तक्षशिला के विद्या केंद्र से संबंधित ऋषि चाणक्य के पुत्र चाणक्य उसके दरबार में पहुंचे। लेकिन उस चाणक्य का उन्होंने, उस चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, उस चाणक्य का अपमान किया। किसने किसने अपमान किया? घनानंद ने अपमान किया। चाणक्य ने उस दिन प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस अपने अपमान का बदला लेंगे, तुम्हारे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे, तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे, तुम्हारे साम्राज्य को तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट करके दिखाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर चाणक्य को वो प्रतिभा, वो क्षमता दिखाई दी। चाणक्य ने उनको अपना नेतृत्व करता माना और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश को उजाड़ दिया गया और एक नए राजवंश की स्थापना करी गई, मौर्य राजवंश। एक नए साम्राज्य की स्थापना करी गई, उसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो यही सवाल आपसे पूछा है कि मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो किसके द्वारा करी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। और उस बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा करी गई? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और एक नए राजवंश की स्थापना करी गई, शुंग राजवंश की स्थापना। लेकिन अगर हम इसके अवशेष की बात करते हैं, रिमेन्स की बात करते हैं कि अभी के समय में उसकी अवस्थिति कहां पे देखने को मिलती है, तो मगध की बात करें तो वर्तमान बिहार में आपको देखने को मिलता है। वर्तमान बिहार में आपको देखने को मिलता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोगों से सवाल क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे शेर, सवाल क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? जब हम असम की बात करते हैं तो वर्तमान में असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत बिश्व शर्मा। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री किसी और राज्य के मुख्यमंत्री से भिड़ गए थे। पहले इसके मुख्यमंत्री कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। अगर इसके राज्यपाल का नाम पूछे तो क्या आप बता सकते हैं कि असम के राज्यपाल कौन है? बता सकते हैं। तो इस सवाल देखिए, नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो भाई आपको याद होगा कि गरबा की बात करें भैया गुजरात चले जाइए, अगर बिहू की बात करें तो आपको असम चला जाना पड़ेगा, असम चला जाना पड़ेगा। तो असम में बिहू किया जाता है मेरे शेर। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 17वां देखिए सवाल क्या पूछा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? कितने बार इस सवाल को मैंने कराया है? 800 की संख्या है, एक बार सब लोग शेयर कर दो। जानते हो जब आप सेशन को शेयर नहीं करते हो, जब आप लाइव सेशन में नहीं आते हो तो कौन खुश होता है? कौन खुश होता है? आपको पता होगा ना कि कौन खुश होता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनको लगता है कि इनका सेशन में बच्चे नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि ये बर्बाद हो गए। तो क्या आप यही चाहते हो? तो मेरे शेर ये तरीका आप लोगों को पसंद है, स्टाइल मेरा। मैं ये देखता हूं कि जब ये इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो सारे बच्चे इस प्रकार के स्टाइल को मेरे उस पे स्टोरी पे लगाते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्यार यार। ये संघर्ष का दिन है, अगर आपका साथ बना रहा तो जीवन में हमेशा आपका साथ हमें याद आएगा, हमेशा साथ आएगा यार। सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में जो होता है उसी को कृष्ण और सुदामा कहते हैं।
तो आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बता दीजिए मेरे शेर। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे भाई? नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड की कैपिटल कहां पे? कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज की बात करें, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कौन से क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो नागालैंड के इंफाल कोहिमा वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? इंफाल कोहिमा वाले क्षेत्र में आपकी कार्रवाई कर रही थी। आपने बोला कि डन भैया, महाराष्ट्र के पोला फेस्टिवल के बारे में बताइए। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में कौन से जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल को पोला फेस्टिवल कहा जाता है। और यह होता कहां पे है? यह महाराष्ट्र में होता है। यह कौन सा फेस्टिवल है? तो पोला। तो आज के बाद तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोला फेस्टिवल कहां से आपके होता है। तो पोला फेस्टिवल की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन से जानवर की पूजा होती है? तो वृषभ की पूजा होती है, बैल टाइप के जानवर की पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सवाल क्या पूछे आपसे? 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते ने पराजित किया था, और उस शाहजहां के पोते का नाम क्या था? यह सवाल मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि पहली बार आपको देखने को मिला होगा। यह शोरूम से निकला हुआ आपके लिए शानदार सा सवाल है, ये शोरूम से निकला हुआ शानदार सा सवाल है। पहली बार आपको जीवन में ये सवाल आपको देखने को मिला होगा। अगर आप इसका सही आंसर बताते हो तो हमें दिल से खुशी होगी इस बात की कि आप भी कुछ अच्छा जानते हो मेरे शेर। सब लोग एक बार शेयर कीजिए मेरे शेर, सब लोग शेयर करो। 800 की संख्या है यहां पे, अगर यहां पे 1500 के नीचे रुक जाए तो पूरी दुनिया हंसी उड़ाएगी हमारी। आप क्या चाहते हैं? आप अपने भाई को ताकतवर बनाना चाहते हैं कि आप अपने भाई को कमजोर बनाना चाहते हैं? आप बता दीजिए, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन 20 का आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो देखो यहां पर फंसाने के लिए क्या बोला है कि शाहजहां के पोते, तो शाहजहां का पोता कब होगा? जब शाहजहां का बेटा होगा। तो शाहजहां का बेटा नाम क्या था? उस बेटे का नाम था दारा सिको, और उसी दारा सिको का पुत्र कौन था? सुलेमान सिको। और उसी सुलेमान सिको ने 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में इस शाह सुजा को पराजित कर दिया था। आपको याद होगा यह बात कि जब हम शाहजहां की बात करें तो उसके चार बेटे थे। हमारे पापा बचपन में हमेशा कहानी सुनाया करते थे, और ऐसे भी तो मैं नलायक ही निकल गया, अभी भी वो सुनाते रहते हैं कि चार बेटा राम के कोई ना काम की। उसी तरीके से शाहजहां का, शाहजहां देखो क्या था, शाहजहां सम्राट था, शाहजहां मुगल सम्राट था, उसके चार पुत्र थे। चारों पुत्र में नाम क्या था भाई? तो दारा, सुजा, औरंगजेब, मुराद। दारा बहुत ही प्रिय था, दारा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था शाहजहां। चाहता था कि हमारे बाद उत्तराधिकार यही प्राप्त करे, यही उत्तराधिकारी बने। लेकिन औरंगजेब के मन में हमेशा एक बात को लेके घात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए शासक हम बनेंगे। बिंदे स्टडी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर दीजिए 800 की संख्या बेटा। आप लोग पीछे रह जाओगे तो कैसे होगा? मात्र 10 मिनट का सेशन है, क्योंकि आज 7:45 पे जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं। आपने जो प्यार दिया है उस प्यार को लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक गिफ्ट इस परिवार की तरफ से आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो शानदार तरीके से आप लोग शेयर कीजिए सेशन को। प्रियांशु यादव जी, बेटा पढ़ लोगे तो कितना अच्छा होगा, आप बताइए। इस क्लास में आके ऐसी बात करोगे कैसा लगेगा हमें बताइए आप, है कितनी गलत बात है। शेयर मार दो एक बार सेशन को। तो 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान सिको, जो दारा सिको का पुत्र था। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में जो आपका जल संधि है, जो वाटर स्ट्रेट है, उस जल संधि को क्या कहा जाता है? उस जल संधि को क्या कहा जाता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या बताओगे? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के मौजूद के बीच में मौजूद जो जल संधि है, उस जल संधि को क्या कहा जाता है मेरे शेर? आंसर बता दीजिए, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे भैया उसको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, और यह पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, यह पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज का नाम क्या था? उस अंग्रेज का नाम था रॉबर्ट पाक।
उसका नाम क्या था? रॉबर्ट पार्क, उसी के नाम पे जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पे इसका, इस जल संधि का नाम क्या रखा गया? इस जल संधि का नाम पाक जलड मरुमध्य रखा गया। पाक जलड मरुमध्य रखा गया, पाक स्ट्रीट इसका नाम रखा गया। तो इस बात को समझ गए, तो इस पाक का मतलब पाकिस्तान से मत लगाना, पाक का मतलब पाकिस्तान से मत लगाना। इस पाक, ये क्या है? एक वाटर स्ट्रीट है। तो क्वेश्चन में 21 का आंसर क्या होगा मेरे शेर? बी हो जाएगा। 22 तो देखो बाबू, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आन बान शान, मेरे जीवन के सभी कदमों पे मेरा साथ देने वाले मेरे एक एक बब्बर शेर और शेरनियों, एक बार सेशन को शेयर कीजिए। आपकी संख्या 900 थी, आपकी संख्या घटती है तो हमें लगता है कि मेरा दिल बैठते बैठते रह गया, ऐसा लगता है कि धड़कन स्पीड स्लो स्लो हो गया। चलिए निकी रॉय जी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्यार के लिए। इसको हमेशा ऐसा ही प्यार आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है ना, ऐसा ही प्यार आप लोग बनेंगे। नहीं शेयर करेंगे, आपको पढ़ाने नहीं आता, भगोरे मास्टर हो आप, जीडी की वर्दी दिलाने की वादा किया था तो भाई अभी भी, तो अभी क्या, कौन सी होम गार्ड की वर्दी दिला रहे हैं कि किसी घर के बाहर के गार्ड की वर्दी दिला रहे हैं? इस बार भी अभी भी नारा है, वही नारा है, न इस पार न उस पार, इस बार एसएससी जीडी पार, इस बार एमटीएस पार। आप जितना हमसे नफरत कीजिएगा, आपके प्रति मेरे दिल में उतना ही ज्यादा प्यार उत्पन्न होगा। यही तो है प्रबल स्टाइल, यही है प्रबल स्टाइल। 4-5 दिन तक ठीक से खाने पीने सोने को नहीं मिला था, तो थोड़ा सा एनर्जी अलग लेवल का था, लेकिन अब थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल गया है। एक बार सही से खा ले सो ले, उसके बाद उठ जाए तो दुनिया में अपनी ऊर्जा के आगे किसी की क्षमता नहीं है टिकने की। ये भूकंप सब नहीं है, सुनामी है, सुनामी। ये प्रबल स्टाइल है, जितना नफरत करोगे आपके दिल में मेरे लिए जितना नफरत होगा, आपके लिए मेरे दिल में उससे 10 गुना ज्यादा प्यार होगा। यही 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 फ्लेवर है मेरा। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो दो आपके प्रांत है, एक अलास्का है, दूसरा कौन सा भाई? हवाई द्वीप। दूसरा कौन सा है? हवाई द्वीप। दूसरा कौन सा है? हवाई द्वीप। तो अलास्का और हवाई आइलैंड, ये दोनों के दोनों है। अब देखो, जब हम अलास्का की बात करें तो यूएसए ने इसको यूएसएसआर से खरीदा था। जब अलास्का की बात करें तो अलास्का को यूएसए ने यूएसएसआर से खरीदा था, और हवाई द्वीप की बात करें तो यूएसए के राज्य का दर्जा इसको कब मिला था? 1960 में इसको यूएसए के राज्य का दर्जा मिला था। और टोटल अगर यूएसए के स्टेट्स की बात करें तो टोटल कितने, 50 कितने राज्य है भाई यूएसए में? 50 राज्य है। तो अलास्का जो है वो, अलास्का और हवाई आइलैंड, ये दोनों यूएसए के किसी अन्य स्टेट को टच नहीं करता है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता है आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, जब भी जनसंख्या की बात आए और हमारी चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारी जनसंख्या की धूम पूरे विश्व में है। सब लोग जानते हैं कि भारत 2-3 साल में रिकॉर्ड कायम करके सब पूरे विश्व के देशों को पछाड़ के एक नंबर पे आने जा रहा है। तो आपके अंदर सवाल होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें, मोस्ट पॉपुलेटेड की बात करें, तो एक नंबर पे क्या आ जाता है? अभी चाइना, अभी चाइना को हम लोग लात मार के आगे बढ़ने वाले हैं। चाइना के बाद कौन सा हो गया? इंडिया। इंडिया के बाद कौन सा हो गया भाई? पॉपुलेशन के हिसाब से इंडोनेशिया। कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का 7वां स्थान है, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का 2रा स्थान है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया का 1ला स्थान है, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का 1ला स्थान है। तो सवाल क्या पूछा है? तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें, थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें,
तो थर्ड पॉपुलेटेड में सीधे तौर पे गलत मैंने बोल दिया क्या? गलत बोल दिया रे बाबू। ये चौथा इंडोनेशिया चौथे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे यूएसए आ जाता है, तीसरे नंबर पे यूएसए आ जाता है। तो तीसरी सबसे बड़ी, हमने इसको चौथा पर लिया। तो तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो यूएसए, चौथे नंबर पे कौन आ जाता है? इंडोनेशिया। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है? इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? इंडिया। पहले नंबर पे कौन आ जाता है? चाइना। तो इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? आंसर सीधे तौर पे हो जाएगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23 का सी, 24 देखो मेरे शेर, आंसर क्या हो जाएगा 24? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? यूएई की बात करें तो कौन यूएई का एक अमीरात नहीं है, यानी यूएई में ही शामिल नहीं है? अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मैंने एक बात आपको बताया था, एक चीज हमने आपको बताई थी कि जो भी बच्चे, फिर से एक बार मैं एक डिस्कस कर देना चाहता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अगर आप तैयारी करते हैं एनडीए की, आप तैयारी करते हैं सीडीएस की, आप तैयारी करते हैं सीएपीएफ की, पहला। दूसरा, अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, अगर आप तैयारी करते हैं लेखपाल की, अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएसआई की, अगर आप तैयारी करते हैं ग्रुप डी की, अगर आप तैयारी करते हैं आपके कौन सा एग्जाम बच्चा भाई CBT 2 की, अगर आप इसके अलावा तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस की, अगर आप तैयारी करते हैं RO AR O की तैयारी करते हैं, तो ये सभी के सभी साथी UPSI की तैयारी करते हैं, तो आप सब लोगों के लिए डेली में मास्टर क्लास लेके आता हूं, डेली में मास्टर क्लास लेके आता हूं, थ्योरी की क्लास, ऐप वाला कंटेंट फ्री में, ऐप वाला कंटेंट फ्री में, डेली शाम को चार बजे इसी वाले चैनल पे, ऐप वाला कंटेंट फ्री में। तो दोबारा मत पूछना कि हमारे पेपर के लिए है कि नहीं, ये सारे पेपर के लिए आपका तैयारी कराता हूं मैं 4 बजे शाम को हिस्ट्री की मास्टर क्लास में। 3-4 क्लास तो हो भी गई, 3-4 क्लास तो हो भी गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, जब मस्कट की बात करते हैं तो आपने बोला कि भाई मस्कट के बारे में तो हमने कुछ और सोचा है ना, हम तो कुछ और जानते हैं। हमने बोला कि क्या जानते हैं? तो भैया मस्कट ओमान की राजधानी है। मस्कट कहां की राजधानी है भाई? ओमान की राजधानी है। तो ये यूएई में कैसे आ जाएगा? हमने बोला कि इसका मतलब क्या है कि गलत है। तो सवाल पूछा है कि यूएई का एक अमीरात नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मस्कट। क्यों? क्योंकि मस्कट की बात करें तो सीधे तौर पर याद रखना मेरे चीटे, इस मस्कट ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की जो राजधानी है, वही बहरीन को क्या बोला जाता है? इस बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, इस बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगर हम इसके कैपिटल की बात करते हैं, इसके राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? मनामा। और यही आपके बहरीन के सबसे बड़े शहर के रूप में भी देखने को मिलता है। बहरीन के सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? मनामा। और बहरीन की कैपिटल भी कौन सी है? मनामा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित ये जो इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देशों के निकटतम है? अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इंडोनेशिया के बारे में चर्चा में आपको बता देना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में अगर चर्चा करें तो भाई याद रखिएगा कि सबसे उत्तरी द्वीप है रोंडो द्वीप। उस रोंडो द्वीप के आसपास आपकी स्थित है, 163 किलोमीटर दूर है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन सा भाई? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ब्यूनर्स आयर्स किसकी राजधानी है भाई? ब्यूनर्स आयर्स किसकी राजधानी है? तो ब्यूनर्स आयर्स की बात करें तो सीधे तौर पे क्या मार दोगे? अर्जेंटीना। किसको मार दोगे भाई? अर्जेंटीना। और ब्यूनर्स आयर्स का मतलब क्या होता है? स्वच्छ हवा। सवाल नंबर 28वां देखिए भाई, सवाल नंबर 28वां बोल रहा है कि डैस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, सबसे अधिक एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। यहां पर 900 की संख्या है, यहां पर 900 की संख्या है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, थैंक यू सो मच आपको विमल गिली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 900 की संख्या एक बार शेयर कर दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। जब आप लोगों की संख्या 1200-1300 से नीचे यहां पे या वहां पे रहती है,
तो हमें बुरा लगता है, एक बार शेर मार दो मेरे शेर और मेरे बब्बर, शेर और मेरी शेरनियों। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो शानदार तरीके से, मोनिका मैम थैंक यू सो मच, दीदी थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे आपको, थैंक यू सो मच। एक बार शेयर करो आप लोग जितने भी हैं भाई, सब लोग शानदार तरीके से शेयर करोगे तो कल एक नए शर्ट को पहन के मैं आऊंगा आपके सामने, ब्लैक वाला नया नया, सचिन से मांग के उधार पे आजकल काम चल रहा है तो ब्लैक वाला, ये नितिन भैया से मैंने ले लिया, मैंने बोला कि आज तो भाई मेरे पास कुछ है नहीं, पहनने को दे दो रे बाबा, दे दो कुछ भी तो दे दो, तो जबरदस्ती, क्योंकि मैं जब आया था तो मेरे पास कुछ था ही नहीं भाई, टी शर्ट एक लेके आया तो उसको कितने दिन तक उसको पहनते लगा कि नहीं भाई, तो हमने बोला कि सही भाई पहन लेते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए ना आप सभी लोग, 900 की संख्या बेटा जल्दी से पार करवा दीजिए। जी जी, सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन अंकुर इसलिए मैं नहीं करता हूं क्योंकि जो भी मैं सवाल लेके आता हूं ना उसमें ये सारे ऑप्शन के ऊपर फिर से सवाल होते हैं, तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आपको सवाल करने में मजा नहीं आएगा, तो मेरे शेर जितने भी साथी देख रहे हैं सब लोग, प्रबल सर की सिस्टर थैंक यू सो मच, तो एक बार शेयर कर दो भाई जल्दी से, मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आपके अंदर मेरे प्रति कितना प्यार है। शेयर कीजिए, चलिए सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार आपको भाई, मेरी पूरी खुशी आपकी हो जाए। इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, इस संघर्ष के दौर में आपने अपना प्यार बनाए रखा, दुनिया ने भटकाया बहकाया, हमें पता है कि 20% बच्चे 30% बच्चे उसमें भटक गए, लेकिन 70% से ज्यादा बच्चों ने अपने भाई का साथ दिया, अपने शेर का साथ दिया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इस बात की खुशी है, हमेशा जीवन में इस बात की तसल्ली रहेगी कि जिसके लिए दिल से मेहनत करो वो भी आपके साथ दिल से जुड़ा होता है। एक बार जल्दी से अंशिका जी थैंक यू, अंशिका प्रजापति थैंक यू सो मच, प्रबल स्टाइल आपको भी पसंद है मेरे शेर, शाबाश। एक बार सब लोग शेयर कर दो, फिर से संख्या घट गई, 900 से नीचे आ गई, ये भाई आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं खुश होकर जाना चाहिए तो आपके पास समय है 5 मिनट, क्योंकि 7:45 पे आपके लिए यूपीएसआई का सुपर सरप्राइज लेके आ रहे हैं। आपने जो प्यार दिया है उस प्यार के कर्ज को तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन गिफ्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए मेरे शेयर, शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और एक बार नहीं अभी रात को फिर से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, शानदार तरीके से एक सिंग वाला गेंडा। तो कहां पे भाई, आपने बोला कि भाई एक सिंग वाला गेंडा, ये तो हड़प्पा में भी आपने बनाया था, हमने बोला कि जी, लेकिन अभी के समय में बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इम्फाल कौन से भारतीय राज्य की राजधानी है, मैंने पूरे राज्य की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री करा दिया। अरे सवाल पूछेगा अभी तो कहां से पूछेगा, हमने एक कोना भी तो नहीं छोड़ा है। एक हमारा साथी आया बोला कि तुम तो धोखेबाज हो, भगोरे हो जीवन में। बेटा जब आप अपने मां बाप को धोखा दे देते हो तब आपको धोखेबाज बोला जाता है, उसके अलावा जीवन में किसी को भी कुछ भी कर दो उसको नहीं बोला जाता है, तुम लोग अभी मैच्योर नहीं हो। एक बार शेयर कर दो ना फिर से आप लोग, 900 की संख्या बेटा जल्दी से, एक बार 1200 पार करा दीजिए अगर आपको 1500 ज्यादा लगता है तो। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आप लोगों का टारगेट, आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं सब्सक्राइब शेयर नहीं बोलूंगा, कब, जब आप सैटरडे को दोपहर 12 बजे तक, टारगेट है, पूरी दुनिया आपकी और हमारी ओर देख रही है, एकदम मेला की तरफ फेस्टिवल की तरीके से इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। भारत की सर्वश्रेष्ठ मेहनत करने वाली टीम आपके साथ खड़ी है, 12 बजे सैटरडे 12 बजे यानी कल 12 बजे दोपहर तक 100K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। अगर आप 100K सब्सक्राइबर कर देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, 100K आज नहीं तो कल तो होगा, लेकिन कल हो जाएगा 12 बजे दोपहर तक, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन बाद में होगा तो थोड़ा ये लगेगा कि जो रिकॉर्ड हम लोग बनाना चाहते थे अपने बलबूते, दुनिया को ही दिखाना चाहते थे, कोई किसी को नहीं बनाता है, सब अपने मेहनत अपने बलबूते बनता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का साथ होता है साथ में। तो शानदार तरीके से, अगर कोई ये लगता है कि कोई किसी को बना देता है तो ये भूल है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है भाई, तो इम्फाल आपके कौन सी भाई, मणिपुर की, कौन सी भाई, तो मणिपुर की, कौन सी भाई, इम्फाल, तो इम्फाल कौन से राज्य की राजधानी है, तो मणिपुर की। नागालैंड की बात करें तो कोहिमा, त्रिपुरा की बात करें अगरतला,
सिक्किम की बात करें तो गंगटोक, तो क्या नहीं आता है आपको, क्या नहीं आता है आपको, सब आता है। जो आपको बोले कि नहीं आता, इसका मतलब है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। आपको जो आता है वही पेपर में आएगा। कहीं पे भी आप किसी ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपको नहीं आता है, तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? देखो भाई, भारत की जब हम अवस्थिति की बात करते हैं, ये भारत है, भारत की जब हम बात करें तो यहां पे नॉर्थ पोल पे, यहां पे साउथ पोल पे चिपटा हुआ है, जाके ऊपर चिपट गया है। यानी इसके अगर हम बात करें तो जियोड सेप्स का है भूआब, इसका मतलब क्या है यहां पे। अब इसके बात करें, अगर हम ये अर्थ, ये अगर हम इस अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ का ये क्या हो गया भाई, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री की। भारत की अवस्थिति कहां से भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पे आपके खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो आपके एरिया, इसमें आपके भारत के क्षेत्र को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा सीधे तौर पे वास्ता क्या है कि जो भारत है, भारत को 23.5 डिग्री, यानी जो आपका जो कर्क रेखा है वो भारत के पेट को बीचे बीच फाड़ते हुए जाता है। गुराम छज्जा पे गुजरात से जाता है, राजस्थान से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है और सारे राज्यों से जाता है, लेकिन कर्क रेखा से सबसे दूर की बात करें तो दिए गए विकल्पों में ओडिशा के भुवनेश्वर आपका क्या है, सबसे दूर है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा डी। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपकी 31 क्या पूछा भाई, 31 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था भाई, भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसके द्वारा तैयार किया गया था, अगर आपसे सवाल पूछे तो आंसर क्या होगा। एक बार सभी बच्चे, मेरे जितने भी शेर और शेरनी सेशन को देख रही हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो एक बार जबरदस्त लाइक का चोट मारो, इतना लाइक करो, इतना लाइक करो, इतना लाइक करो कि डिसलाइक करने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाए कि हम डिसलाइक करें तो कैसे करें, उसका भी हाथ जाए तो डिसलाइक पे नहीं, लाइक वाले बटन पे जाए। तो मार दो एक बार, मारो मारो, गोली नहीं मारना है, लाइक मारना है, लाइक मारना है, लाइक मारना है बेटा, लाइक शेयर कीजिए आप लोग। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे की बात करते हैं तो प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो आपने बोला कि भैया उसको शॉर्ट में आपने पढ़ाया था और बार बार बोला था बीएन राव, तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल सकता है, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव। पूरे विश्व की इन्होंने यात्रा करी कि भाई भारत का संविधान हमें बनाना है, भारत का संविधान हमें बनाना है, पूरे विश्व की उन्होंने यात्रा करी। तो बेनेगल नरसिंह राव आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा भाई। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें पहले लोकसभा महिला अध्यक्ष की बात करें भाई, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थी, आंसर बता दीजिए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। संडे और सैटरडे दोनों मैराथन होगा, हम और विनय सर दोनों आपके एमटीएस और जीडी के मैराथन लेके आएंगे, जो प्रॉमिस आपसे किया था 50 में 50 का वो मिलेगा, और संडे को एक हम लोग इवेंट लेके आएंगे जिसमें पता चलेगा कि 1000 क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, 500 क्वेश्चन जीके जीएस के, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको कैसा मिलेगा ये पता चलेगा मेरे से, ठीक है भाई। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चन अभी मैं कुछ देर में आपको कराऊंगा। अभी 7:45 पे जो आपने प्यार दिया है, उस प्यार का ऋण तो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट आपके बीच में लेके आ रही है पूरी की पूरी नितिन सर, पुलकित सर, ऑफिशियल टीम। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शानदार तरीके से सेशन को लाइक कर देंगे, लेकिन मकसद क्या है कि सैटरडे दोपहर 12 बजे तक 100K सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी जाके इस बात को हम समझेंगे कि आपके लिए जो हमने मेहनत किया था उस मेहनत के ऊपर आपको विश्वास था। तो अभी शानदार तरीके से कहीं जाना मत, अभी एक नया इवेंट आपके शुरू होगा, आपको भी कुछ मिलेगा, तो सबको आना, जो पहले आएगा सबसे पहले उसको मिलेगा। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।